आज दूसरा दिन है 4 आवर्स पर डे चैलेंज का। तो बेसिकली वार्ड में काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए अभी तक मेरा 5 मिनट भी पढ़ाई नहीं हो चुका है। ऑल दो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा, अगर आप नीट यूजी या नीट पीजी एस्पिरेंट है, क्या चीज़ों को डिवाइड करें उसके बाद ही पढ़े। तो अभी मैं 15-15 मिनट का टोटल 8 सेशन लूँगा, जैसे कि मेरा 2 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आगे देखते हैं कितने जल्दी मैं अपने इस टास्क को पूरा कर सकता हूँ। बने रहिए। बहुत मुश्किल से 1 घंटा जो वो कंप्लीट कर पाया, इसलिए मैं पढ़ने की आदत जो है वो छूट गई है, क्योंकि सर्जरी में जो ड्यूटी होता है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है। बट वही है, कैसे पहले भी बहुत घंटों तक पढ़ाई की बैठ के, तो धीरे धीरे फिर से मेरे ख्याल से ट्रैक पर आ जाऊँगा। तो और 3 घंटा बचा, बने रहिए। मोटिवेशनल वीडियो के नाम पर बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि आप शुरू से स्टार्ट करें, 12 घंटा पढ़े, 14 घंटा पढ़े, 16 घंटा पढ़े, 18 घंटा पढ़े, 24 घंटा पढ़े। तो हम लोग भी जब अपने पिक टाइम पे थे ना, जब नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी 12 घंटा पढ़ाई करा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे और उसी टाइम पे सोचोगे मैं 12 घंटा से ही स्टार्ट करूँ, तो वो इम्पॉसिबल है। तो शुरू का 2-3 महीना अगर आप लगातार 4 घंटा भी पढ़ाई कर लेते हो, तो विश्वास मानिए आप बहुत जल्दी ट्रैक पे आ जाएंगे, और जो भी आपका गोल है उसे आप हासिल कर।